ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। ठीक है, तो ये ट्रेन थी, तो 100 मीटर लंबी है। तो ये बोलता है कि कोई आदमी खड़ा है, उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल तो पार करने में टाइम लगने का मतलब ये हुआ कि जब से पार करना शुरू करती है और जब पार करना खत्म कर देगी, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अगर आदमी यहाँ पे है तो अभी इस आदमी रुका हुआ है, आदमी तो रुका हुआ है, ठीक है, और ट्रेन ऐसे जा रही है, तो पार करना कब खत्म करेगी, जब ट्रेन, आदमी तो वहीं खड़ा है, ठीक है, और ट्रेन यहाँ से गुजर के यहाँ पे आ जाए, तो इसी को बोलेंगे कि ट्रेन पार कर गई है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्रेन पार कर गई है। तो इस केस में क्या होगा, ट्रेन का ट्रेन की स्पीड दे रखी है हमें 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको मीटर पर, उसमें बदल देते हैं मीटर पर सेकंड में, 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 30 इंटू 5/18 हो गया ये, ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऊपर नीचे 6 से काट दिया, तो ये सपोज V आ गया ये, ठीक है, तो ये V से जा रहा है, तो अब ये पॉइंट भी V से जा रहा है, ये पॉइंट भी उसी स्पीड से जा रहा है, ट्रेन का हर एक पॉइंट उसी स्पीड से जा रहा है, तो ये इसको क्रॉस करके यहाँ कब पहुँचेगा, जब आगे वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाए, यानी आगे वाला पॉइंट 100 मीटर ट्रेवल कर ले। ठीक है, तो जो इंजन है, मतलब ठीक है, या जो अगला बोगी है, वो 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कहने का मतलब यही है, तो उसको 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 25/3। तो डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, और स्पीड दे रखी है 25/3 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से डिस्टेंस है 100 और स्पीड है 25/3, तो ये हो गया 100 × 3/25, तो ये हो गया 12 सेकंड, तो 12 सेकंड लगाएगा पार करने में। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसमें अ ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड 132 किलोमीटर प्रति घंटा, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 165 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, तो किया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। तो सपोज ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है ये, तो ये रुका हुई हुआ है, प्लेटफॉर्म तो रुका ही रहता है, ठीक है, रेस्ट पे है, यानी जीरो पे वेलोसिटी पे, और ट्रेन क्रॉस करना चालू करती है, ट्रेन की लेंथ 110 है और इसकी लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 165 मीटर्स, तो यहाँ ये लेंथ हो गई 165। ठीक है, और ट्रेन इसको क्रॉस करना शुरू करती है, तो ट्रेन के लेंथ रखी है 110 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 160 मीटर्स लॉन्ग, तो यहां से क्रॉस करना शुरू करती है, और क्रॉस कब कर चुकी होगी, जब ट्रेन यहां पे पहुंच जाए। ठीक है, तो यहां क्रॉसिंग स्टार्ट हुई है, और यहां क्रॉसिंग एंड हो रहा है। ठीक है, तो ट्रेन के इस अगले वाले पॉइंट को कितना चलना पड़ेगा, या ट्रेन के पिछले वाले पॉइंट को कितना चलना पड़ेगा, जो यहाँ पे पॉइंट है, या यहाँ पे एक जो आदमी बैठा हुआ है, इसको कितना चलना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा इतना डिस्टेंस, जब ये यहाँ पहुँच जाए ये आदमी। ठीक है, तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा तब क्रॉस हो जाएगा, तो इसको कितना चलना पड़ा, तो ये चलना पड़ेगा 110 मीटर और 165 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा, 110 प्लस 165, तो ये हो गया 275 मीटर्स। ठीक है, और स्पीड दे रखी है, तो हर एक पॉइंट उसी स्पीड से जा रहा है, स्पीड कितना 132 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 132 इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, तो 132 भागे 18 कितना आएगा,
ये कटेगा नहीं, 132 छः से कट सकता है, 132 शायद, 132 भागे 6 करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो ये 3 हो गया और ये 22, तो 22 पच्चे 110/3 हो गया। ठीक है, स्पीड इतनी मीटर पर सेकंड आ गई। तो टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 275 और स्पीड कितना है 110/3, तो ये हो गया 275 × 3/110। तो ये कटेगा अगर, तो 11 से कटेगा ये, 6 × 275/11 कट जाता है, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 सेकंड। ठीक है, यानी 75 सेकंड कितना हुआ, 100 नीचे, इसको हमने 11 से काटा था तो नीचे 10 भी आएगा। ठीक है, फिर 5 से काट दिया, 5 × 2 = 10 और 25 25, तो ये हो गया 15/2। ठीक है, 15/2 आ गया, 15/2 होता है 7.5, तो 7.5 सेकेंड लगेगा। ठीक है,